हेलो दोस्तों, आप अगर कहीं टूर पे चला जाते हैं, कहीं घूमने चला जाते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ता है किसी होटल बुकिंग का। और आप जब वहाँ पे चला जाते हैं तो दिक्कतें पड़ते हैं होटल ढूंढना, बुक करना। इससे पहले आप ऑनलाइन ही बुक करके जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए आज मैं बताने वाला हूँ, मेक माई ट्रिप जो बुकिंग एजेंसी है उसके थ्रू से आप कैसे होटल बुक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, आखिर तक हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव पर, स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम मेक माई ट्रिप जो वेबसाइट है वहां पे चला जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम गूगल पे आ गया है और यहां पे मेक माई ट्रिप लिख के सर्च कर देंगे। जैसे मेक माई ट्रिप लिख के सर्च कर देंगे, आप देख सकते हैं पहला ही वेबसाइट आया है www.makemytrip.com, मेक माई ट्रिप। तो इस लिंक के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और हम मेक माई ट्रिप के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका होम पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे को करना है होटल बुक, इसलिए होटल्स के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे होटल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिटी, कौन सा सिटी में आपको होटल बुक करना है, तो वो लिख देंगे। फिर चेक इन डेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे कैलेंडर निकलेगा, वहाँ पे चेक इन डेट सिलेक्ट कीजिए और चेकआउट डेट भी साथ साथ आप सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे रूम्स एंड गेस्ट के ऊपर जाना है, रूम कितना चाहिए आपको वो सिलेक्ट कर लीजिए, आपको कितना एडल्ट्स रहना है, कितना चाइल्ड रहना है वो सिलेक्ट करना है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद सर्च बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे कलंगुते बीच, गोवा का है एक बीच है, तो वहाँ पे मेरे को होटल चाहिए, तो इसलिए वो लिख देंगे। और 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में चाहिए और एक रूम चाहिए, 3 एडल्ट्स रहेंगे, 1 चाइल्ड रहेंगे। फिर सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा होटल है उस एरिया में, जो भी होटल होगा दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे साइड में आपको उनका जो रेटिंग चल रहा है वो भी दिखाई देगा। जैसे हम वहाँ पे रह के आ गया, अगर अच्छा लगा तो हमने उसका रेटिंग अच्छा कर दिया, तो 5 तक रेटिंग रहते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं थोड़ा यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद मान लीजिए ये जिया कलोंग थे, ये मेरे को पसंद आ गया, 4.0 जो है इसका रेटिंग है। और यहाँ पे कलोंग के बीच का दूर भी जिया ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट्स वॉक दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे उस होटल के ऊपर क्लिक कर देंगे, उसका डिटेल से यहाँ पे खुल जाएगा। तो उसका दाम कितना है साइड में आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका फोटो वगैरह देख सकते हैं। और इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसका डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए देखिए, यहाँ पे ओवरव्यू में होटल्स के बारे में, होटल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे 200 मीटर के अंदर कलंग के बीच है, तो अच्छा है मेरे लिए, वो देख लिया। रूम्स आप देख सकते हैं, रूम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद रूम्स का कितना टाइप का रूम्स है उनके पास और कैसे उनका फोटो वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा। लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कहाँ कहाँ वहाँ से कौन सा बीच कितना दूर है, मेरे को मेनली वहाँ पे जाना है, तो वो सब दिखाई देगा और किस जगह में है मैप भी दिखाई देगा। फिर प्रॉपर्टी रूल्स ये जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर्टी रूल्स क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा अलाउड है कौन सा नहीं अलाउड है, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर यूजर रिव्यू भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कितना लोगों ने अच्छा दे रहा है कमेंट, कितना ने खराब दे रहा है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा होटल कैसा है, ठीक है। फिर ओवरव्यू के बाद अगर रूम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, रूम्स का फोटो वगैरह दिखाई दे रहा है, उसका डिटेल से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं ये रूम सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट रूम के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे सिलेक्ट रूम के ऊपर क्लिक कर देंगे, एक बार आपका जो डिटेल से है वो रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है, आपका जो सिलेक्शन है वो रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। चेक इन डेट चेकआउट डेट सही है, कितने लोगों के लिए ये, कितना नाइट के लिए चाहिए, कितने लोगों के लिए है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बेडरूम, एक वॉशरूम, एक डबल बेड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स भी दिखाई दे रहा है, कितना रुपया आपका कीमत है, किराया कितना है और सर्विस टैक्स वगैरह कितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप एक चीज देख सकते हैं, MMT जो है मेक माई ट्रिप ने अपने आप एक कूपन यहाँ पे लगा रखा है जो 663 माइनस हो चुका है। आप भी अगर किसी कूपन के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे बहुत सारा कूपन दिखाई देगा, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो आपके पास अगर कोई दूसरा कूपन है तो हैव यू ए कूपन, कूपन कोड इसके डाल के एक ये जो त्रिभुज का निशान है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम उसी पेज का जो
स्कूल रन किया हो तो यहाँ पे आपका गेस्ट डिटेल्स लिखना पड़ेगा। पहले तो आपका अकाउंट है तो आपका अकाउंट में लॉगिन हो रखा है तो आपका डिटेल्स यहाँ पे आ ही जाएगा। ठीक है, आपका नाम लिखिएगा, लास्ट नेम लिखिएगा, आपका ईमेल एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और आपके साथ जो गेस्ट है उनका डिटेल्स भरने के लिए एड गेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप कौन कौन रहेगा आपके साथ उनका भी नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद पे बटन दिखाई देगा तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और पे बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट आप UPI के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM, बुक लेटर का एक भी ऑप्शन है उनका, अगर आप उसके लिए ऑथराइज है, एलिजिबल है, वो भी यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, आप किसी भी वॉलेट से कर सकते हैं, EMI कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैरायटीज ऑफ आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे UPI सिलेक्ट करूंगा और UPI सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्कैन एंड पे के ऊपर एक व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और एक QR कोड निकलेगा। मैं UPI से उसे QR कोड से स्कैन करके मैं पेमेंट कर, नहीं तो NTR UPI के ID के अंदर मेरा UPI ID लिख के वेरीफाई एंड पे के ऊपर क्लिक कर देंगे और मेरा UPI में उसका रिक्वेस्ट चला जाएगा, मैं पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा। और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको बुकिंग सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा और यहाँ पे दिखाई देगा आपका डिटेल्स जो आप बुक किया है। और आपको अगर टिकट को डाउनलोड करना है, भाषा को डाउनलोड करना है, डाउनलोड टिकट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डाउनलोड टिकट के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपका टिकट दिखाई देगा, इसमें डिटेल्स क्या क्या आपका था वो दिखाई देगा। फिर और एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे डाउनलोड भाषा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और आपका कंप्यूटर में ये जो भाउचर है, बुकिंग भाउचर, वो डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आप मेक माई ट्रिप के अंदर होटल आसानी से बुक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होंगे, कैसे आप मेक माई ट्रिप वेबसाइट में जाके होटल बुक कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।